18 सितंबर 2022 को जब हम पुरी के लिए रवाना हो रहे थे तो भुवनेश्वर स्टेशन में हमारे कुछ फैंस ने हमें रुकने को कहा था ताकि वो आके हमसे मिल सके। प्लेटफॉर्म नंबर 4 में हम घंटों इंतजार करते रहे, सैकड़ों ट्रेन आके निकल भी गए, एक मक्खी तक हमसे मिलने नहीं आया। अपनी इज्जत की धजिया उड़ता देख हम वहाँ से तुरंत ही निकल के पुरी पहुँच गए। दोस्तों, यहाँ के विधायक जी को जब पता चला हम पुरी आ रहे हैं तो उन्होंने हमें कॉल करके बोला एक लग्जरी गाड़ी हमें रिसीव करने आ रही है, देखते हैं कौन सी गाड़ी आएगी। आई थिंक BMW आएगी, क्या बोलती पब्लिक? अबे एक सेकंड तो दिखा मेरा चेहरा। सॉरी, फालतू टाइम नहीं है। अच्छा बेटा रुक, थोड़ी देर में बैंड बजाती तेरा। ओ गजरे वाली, आप भी हाई कर दो। ओके। अरे मम्मी कुछ बोलो। कुछ 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 कुछ। भाभी पता है भाई क्या बोल रहा था? ये गजरा लगा के आप एकदम रानू मंडल लग रहे हो। लगता है आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। मेरे को कटिया कैप बोलते तो मैं सह लेती, पटक पटक के मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी। फाइनली हम पहुंच जाते हैं पुरी के बड़ो दांडो में। यहाँ से बाकी का सफर हम पैदल पूरा करेंगे जगन्नाथ जी के मंदिर तक। चल चल भाई दौड़ लगा चल। मंदिर पहुंचने तक आपको रास्ते में ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगे जो आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, पर हमारा मकसद अभी सिर्फ प्रभु जी को दर्शन करना था, इसलिए हम बचते बचाते हुए आगे निकल गए। पर अफसोस, मेरे सब्र का बांध तब टूट गया जब हमारी नजर इस पुरी खजा में पड़ी। जी हाँ, इस मिठाई की अहमियत कितनी है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लोगों से आप पूछ के देख लेना। ये रही जगत के नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी जी का पावन मंदिर। अंदर जाने से पहले आपको अपने कैमरा और मोबाइल्स बाहर काउंटर में ही जमा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत ही नहीं। पर आपको तो पता है जहाँ फ्री की चीजें मिलती है वहाँ भीड़ तो ज्यादा दिखेगा ही। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था तो हमने मंदिर के बाहर इस जगह पे 200 रुपए में अपने सारे चप्पल जूते मोबाइल पर्स बैंक बैलेंस घर की प्रॉपर्टी सब कुछ दे दिया रखने के लिए। और हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ सेफ है। सो दोस्तों, फाइनली 3 घंटे बाद अभी दर्शन खत्म हुआ, जल्दी से सी बीच की तरफ निकलते हैं। Okay. इंडिया का मोस्ट क्राउडेड बीच में आपका स्वागत है। ये लड़कियां यहाँ आते ही इस बिचारे ऊंट की सामत आ गई जब इन दोनों ने ऊंट पे सवार होने का फैसला किया। पहली बार हाथियों को ऊंट के ऊपर बैठता देखने के लिए बीच में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मालिक जरा कॉल लगाओ, मैं अपने घर वालों को आखिरी गुड बाय बोल दूं, क्या पता ये आज मेरा आखिरी राइड हो। Oh, no. ले जाए मैडम, चढ़ जाइए। अरे भैया इसको इधर रखो। एक मुक्का मारूंगा मैडम, सीधा ऊपर जाओगे। अरे बाप रे, आए मेरी कमर। ओ भैया एक नारियल पानी पिलाओ। कौन सा दूं सर, इसमें नारियल ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा है। और वो बीच वाले में, उसमें हवा ज्यादा है। अरे हवा तो मेरे पास भी है बहुत, पर कोई खरीदता ही नहीं है। बाबा बेचारे ऊंट की कंडीशन देख मुझे तरस आ गया था। अरे बाप रे, इसकी तो सुसु ही निकल गई। कोई इसे समझाओ यार, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे। कौन नहीं मान रहा तुम्हारे घर में, बता मैं बात करती। अरे मेरी बीवी और 3 बच्चे। अरे भाभी भागो, पानी आ रहा है, मेरे 150 के चप्पल। नो भाभी, 3 की गिनती में भागना शुरू करना है। ओके। अरे रुको, 3 आने तो दो। 3। दोस्तों, कुछ इसी तरह मैं पिछले आधे घंटे से बेचारे समय को बर्बाद होता देख रहा था। 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा बे? तो फाइनली चंद घंटे बिताने के बाद हम गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। लगता है हमारी बहन ने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा जो इस जन्म में इतने अच्छे भैया और भाभी मिल गए इसको। क्यों रे, खाना नहीं खाया क्या? जोर जोर से दबाओ। अच्छा बेटा, ये ले ये ले। मैंने पापा को बोला सालों बाद एक बहुत बड़े ब्लॉगर बन के हम गाँव जा रहे हैं, तो कोई एक ऐसी लग्जरी गाड़ी भाड़े में लाइए जो कि गाँव में एंटर करते ही लोग देखते रह जाएं। तो पापा फाइनली ये गाड़ी लेके आ गए। ऊपर से मुझे सामने ड्राइवर के साइड में बिठा दिया। अब पक्का हमें पूरा गाँव घूरने वाला है। हो गया भाई, इतना ही था वीडियो। अगले वीडियो में वापस मिलते हैं। पर हाँ, इस वीडियो को लाइक किए बिना अगर चले गए तो मैं पद्दू मैन को बुला लूंगा।